सारे नहीं होते पर कुछ होते हैं उनके बहकावे में आ जाते हैं तो बच के बैठे। जब हम हिंदू ही एक नहीं होंगे तो धर्म के लिए क्या खाक काम करेंगे? अपने सनातन धर्म को कभी बर्बाद नहीं होने देंगे। नहीं है, ये एक समाज के लिए एक सबक है। उनका बेनकाब चेहरा इस मूवी में दिखाया गया है। लोगों के दो मुखौटे होते हैं, जैसे कि सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। मतलब बहन बेटियों को अपना दिमाग खोल के रखना चाहिए कि मतलब द केरला स्टोरी एक ऐसी फिल्म जिसने रिलीज होने के बाद से ही धमाल मचाया हुआ है। इस फिल्म को दर्शकों का खासा प्यार मिल रहा है और प्यार इतना कि खुद लोग दूसरों को फिल्म दिखाने के लिए अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही हिंदू जागरण मंच फिरोजाबाद के पदाधिकारियों ने लगभग 200 महिलाओं और लड़कियों को इस फिल्म को अपने खुद के व्यय पर दिखाया था। और आज फिर से वीरांगना वाहिनी हिंदू जागरण मंच फिरोजाबाद की प्रांतीय सह प्रमुख उर्वशी वर्मा द्वारा खुद के खर्च से ही महिलाओं और लड़कियों को इस फिल्म को दिखाया गया और साथ ही लोगों से भी अपील कर कहा कि आप भी अपने घर की लड़कियों को इस फिल्म को जरूर दिखाएं। फिल्म देखने आए लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। इतनी बहनों को बेटियों को दिखाना, स्पेशली जो छात्राएं हैं, कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, ऐसे लोगों के संपर्क में आती हैं क्योंकि कक्षा में साथ में मुसलमान लड़कियां भी पढ़ रही हैं। और इस फिल्म में यही दिखाया गया है कि आपके साथ पढ़ के आपके साथ घुल मिलकर किस तरह से वो आपको आपके धर्म से दूर ले जाके अपने धर्म में विलीन कर लेती हैं, धर्म परिवर्तन कराती हैं, मानसिक शारीरिक उत्पीड़न किया जाता है बेटियों का और कितना अत्याचार हमारी बेटियां सहती हैं। ये सब बताना हमारी आंचल की बेटियों को बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपने धर्म पे, अपनी संस्कृति पे, अपने माँ बाप पर विश्वास नहीं करेंगे तो आप कितने परेशान हो सकते हैं, कितना उत्पीड़न सहेंगे, कितना अत्याचार सहेंगे और आपका लास्ट में कितना बुरा हाल हो जाएगा कि एक लड़की बेटी ने सुसाइड कर लिया, उसमें एक लड़की पुलिस के पास जाती है, उसकी कोई मदद नहीं कर रहा और वो लास्ट में जो एक लड़की बचती है वो खुद भाग कर आई है और उसका तो पता नहीं अब आगे क्या हुआ होगा जो अभी दिखाया नहीं गया। तो आप ये बताना ज़रूरी है, एक एक बच्ची को, ये सारी बच्चियां हैं, कुछ शादीशुदा भी हैं, कुछ छोटी बच्चियां भी हैं, पर हमने कहा कि जो छोटी बच्ची को अपने दिखाने में कंफर्टेबल है वो भी लेकर आए, जितना जैसे माँ बाप को हम फोर्स नहीं कर सकते लेकिन वो चाहते हैं अपनी बेटियों को दिखाना तो वो भी ले आए। इसमें पूरी फैमिली भी आई हुई है, माँ भी आई है, अपने दो दो बेटियों को लेके आई है, कोई भतीजियों को लेके आया है, कोई प्रेस वाले भैया भी हैं, वो लोग उनकी फैमिली भी हमारे साथ आज आई हुई है, आपके कई पत्रकार भाइयों की भी फैमिली आई हुई है हमारे साथ। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीदी। जी क्या देखा आपने फिल्म में और क्या लगा आपको फिल्म देखकर? मैंने फिल्म बहुत अच्छी थी, मैं यही कहना चाहूँगी जैसे कि मौसी कह रही हैं कि मतलब सब बहन बेटियों को ज़्यादा ये फिल्म देखनी जरूरी है देखना। आज के हिसाब से कोई इंसान बहके नहीं, लड़कियाँ ज़्यादातर खास जो कि मुसलमानों के सारे नहीं होते पर कुछ होते हैं उनके बहकावे में आ जाते हैं तो बच के बैठे। जी आपको क्या लगता है, क्या केरला स्टोरी एक स्टोरी नहीं है, ये एक समाज के लिए एक सबक है, इसको देखे समझे इसको। कुछ आजकल के जो न्यू जनरेशन की कुछ लड़कियां हैं जो बोलती हैं कि हम फर्क नहीं करते हैं मुस्लिम में हिंदू में, नहीं करना चाहिए ठीक है, लेकिन जो आगे जो हमारे पास्ट में हुआ है वो फ्यूचर में या प्रेजेंट में रिपीट नहीं होना चाहिए कुछ लोग, ये थोड़ा मुझे समझ में आया और सीख काफी। और हमारे धर्म की जो बेटियां होती हैं उनको कुछ दूसरे समाज के लोग उनको मतलब अपने बहकावे में ला के उनको आतंकवाद संगठन में ले जाते हैं। उनका बेनकाब चेहरा इस मूवी में दिखाया गया है द केरला स्टोरी में। और जो लोग कुछ लोग इस मूवी का इतना विरोध कर रहे हैं कि और मेरे हिसाब से फिर वो आतंकवाद का सपोर्ट कर रहे हैं। अगर अपने बच्चों की सुरक्षित रखना है तो उनके फ्रेंडों का सर्कल देखो कैसा है, उनके फ्रेंड को जांच पड़ताल करो वो कैसे हैं, तो अपने बच्चे सुरक्षित रहेंगे। जी आपने क्या देखा इस फिल्म में? क्या मूवी काफी अच्छी थी, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास का माहौल अच्छा है कि नहीं। लोगों के दो मुखौटे होते हैं, जैसे कि सामने कुछ और पीठ पीठे कुछ और, लेकिन हमें लोगों को ऊपर से नहीं अंदर से देखना चाहिए और हमें मतलब कि ये देखना चाहिए वास्तविक हमारा जो माहौल है अच्छा है कि नहीं, और हमें हमारे पेरेंट्स को भी हमारा साथ फ्रेंडली होना चाहिए। और मूवी इज बेस्ट। जी आपको कैसी लगी मूवी? ये फिल्म बहुत अच्छी है और ये है ना बहन बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा देखनी चाहिए। इसमें दूसरे धर्म के लोग अपने धर्म में मिलाने के लिए बच्चों को मतलब लड़कियों को बहला फुसला के अपने उसमें दिखाते कि हमारे गॉड अच्छे हैं, मतलब भगवान अच्छे हैं, तुम्हारे बेकार हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबके अपने धर्म होता है, अपना सबका मतलब अपना मजहब, जैसे कि कुछ
भी कोई मांगते हैं अपने, तो वो सब अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब दूसरे प्रोटेक्ट करेंगे अपने शिवा या अपने भगवान नहीं करेंगे। इसमें यही दिखाया कि हिंदुओं के नहीं करेंगे, हमारे वाले करेंगे, ऐसे करके सपोर्ट कर रहे हैं कि तुम हमारे धर्म में आओ। ऐसा मतलब बहन बेटियों को अपना दिमाग खोल के रखना चाहिए कि मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम दूसरे में विश्वास करें तो वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे, वो ऐसा नहीं होता है। बहुत अच्छी जी, बहुत शुक्रिया। कैसी लगी जी मूवी? मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं अवगत करा दूं, मैं इससे पहले भी एक बार मूवी देख चुकी हूं 250 महिलाओं के साथ, और इस बार हम 70 के समथिंग मेरे साथ बहनें और मेरी मासियां आई हुई हैं। लेकिन इस मूवी से जितना कि बहनों को देखना जरूरी है ये मूवी, उतना ही सरकार को भी समझना जरूरी है। जैसा कि हमारे संविधान में आर्टिकल 30 और 30A है, 30 के तहत मदरसों में उनका धर्म सिखाया जाता है, ईसाई लोगों को उनका धर्म सिखाया जाता है, तो हमें हमारा धर्म क्यों नहीं सिखाया जाता जो कि 30A में है। तो मैं चाहूँगी कि सरकार आर्टिकल 30 और 30A हटाए। साथ ही हमें जातियों में बांट कर रख दिया है, जनरल, SC ST OBC, तो ये क्यों बांटा है? जब हम हिंदू ही एक नहीं होंगे तो धर्म के लिए क्या खाक काम करेंगे? इसलिए हम सभी को समझना चाहिए और अधिक से अधिक मूवी देखनी चाहिए, और विधर्मियों से जितना दूर हो सके हमें रहना ही चाहिए। मूवी काफी बढ़िया लगी, वह जागरूकता के ऊपर थी। सनातन धर्म में भी एक जागरूकता होनी चाहिए, वह अपने बच्चों को संस्कृति से जोड़ना आना चाहिए। ये मूवी एक मूवी नहीं बल्कि एक संदेश है हमारी बहन बेटियों के लिए कि किसी की बातों में आकर अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करें, बल्कि अपनी और अपने धर्म की सच्ची राह पर चलें और सबकी मदद करें, बल्कि किसी के झांसे में ना आएं। हमारा धर्म यही सिखाता है कि हम आगे बढ़ेंगे लेकिन एक उशूल और एक मर्यादा के साथ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों पे चलेंगे और एक दिन भारत का नाम पूरी दुनिया में अमर करेंगे। अच्छा, इस फिल्म में कौन सा दृश्य आपको सबसे अच्छा लगा? इसमें एक दृश्य था, अच्छा तो नहीं लगा लेकिन उस दृश्य पे मेरा जवाब देने का मन कर रहा था जी। उस लड़की ने कही थी कि आपके एक भगवान तो रासलीला करते हैं, एक भगवान अपनी पत्नी को बचाने वन में छोड़ा है, और एक भगवान वो जो पत्नी मर गई थी उनकी यानी सती जी, उन्हें लेकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाया पर कुछ कर नहीं पाया। तो उन लोगों के लिए मैं जवाब देना चाहती हूँ। सबसे पहले कृष्ण प्रेम करना सिखाते हैं, ना कि अश्लीलता दिखाना। और श्री राम अपनी पत्नी से ज्यादा अपने राम राज्य को महत्व देते हैं, ना कि सिर्फ इसीलिए कि अपने स्वार्थ के लिए, बल्कि अपने स्वार्थ से अच्छा सभी को अपना स्वार्थ लेके चलते, वह सब राम राज्य को साथ लेके चलते हैं। उनका अर्थ ये नहीं कि उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ा, लेकिन उनकी पत्नी ने भी उनका साथ दिया। हमारे धर्म में यही सिखाया जाता है कि हम आगे बढ़े। और शिव जी की बात रही, शिव खुद महाकाल है, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं और आपको टिप्पणी करने की भी आवश्यकता नहीं जी। आपने क्या देखा इस मूवी में, क्या अच्छा लगा? ये पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें कैसे मोमडन लड़की अपने हिंदू धर्म की लड़कियों को बहला फुसला कर लड़कों के मतलब बहला फुसला कर ब्रेन वॉश करती हैं, और कैसे उनको सीरिया ये चीज ले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा धर्म सनातनी धर्म है, हमारा धर्म सबसे अच्छा है। चलिए, आपको क्या अच्छा लगा? मैं सबसे पहले तो एक बात बोलना चाहूंगी कि हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं, और हम हिंदू हैं और हम अपने सनातन धर्म को कभी बर्बाद नहीं होने देंगे। और जो लोग ये कहते हैं ना कि हमारा धर्म अच्छा है, कि जो लोग है ना बुरखा पहनते हैं उन पे लोग उंगली नहीं उठाते, उनसे ऐसा नहीं करते, तो मैं सख्त सख्त एक बात बोलने जाती हूँ, आपके धर्म में अगर बुरखा पहनाया जाता है तो आपके धर्म के जो लोग हैं ना उनकी आंखों में, उनसे पूछो कि उनकी आंखों में इतना वो क्यों नहीं है कि वो लड़कियों को गलत नजर से देखते हैं। वो अपनी आंखों को सुधारे ना, जो तुम्हें पर्दा ना करना पड़े वो अपनी आंखों पे पर्दा करे जाके पहले। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि कैसे इजिली लोग माइंड वॉश कर देते हैं हर किसी का, आप अपना माइंड वॉश कैसे होने दे सकते हो? कभी अपना माइंड वॉश मत होने दो, और हमेशा अपने भगवान पे ना विश्वास रखो, क्योंकि भगवान हर जगह बसता है, हर कण कण में बसता है, अगर आप विश्वास करते हो तो। और हमें विश्वास करना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम।